पर्यटन स्थल के रूप में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गया है। अब वहाँ काम होना चाहिए, तो सबसे बड़ा काम किया जो लगभग 3.5 किलोमीटर रोड का सेंक्शन हो गया, जो 2.5 करोड़ में बनने वाला है। दूसरा एक रोड है उसी जगह, छोटा रोड है जो नीचे उतरने का नदी में, उसका भी सेंक्शन होने वाला है। और जो काम वहाँ है, जैसे मैदान में कम से कम 5,000 गाड़ी वहाँ खड़ी हो सकती, उसके लिए 10 एकड़ कम से कम जमीन चाहिए, जो समतल कराने का बात है, वो मैंने प्रस्ताव दिया है। और डीडीसी को मैं कह के आया हूँ, ये सब काम करवा दीजिए। राज्य सरकार के मंत्री, पर्यटन मंत्री ने लिख करके भेजा है कि प्रस्ताव मांगा है उन्होंने कि जो यहाँ हो सकता है काम यहाँ होगा, बाकी हमारे यहाँ भेजा जाए। उन्होंने मांगा है, DPR मांगा है बना करके भेजने को। मैंने DC को कहा तो DC सब काम करा रहे हैं, DC जाके एक बार देख भी चुके हैं। और मैं चाहता हूँ कि DDC और जो इंजीनियर इसमें संलग्न हैं, वो इंजीनियर भवन निर्माण विभाग के और ग्रामीण विकास से, वो दोनों इंजीनियर भी जा कर के स्थल को देखें। अभी तक गए नहीं हैं, लेकिन इस्टीमेट बन गया, गए नहीं हैं, जाना चाहिए, मेरा ये मांग है। और DDC को मैंने कहा है, कल भी कहा है कि जा कर के एक बार देख तो लीजिए, कम से कम आप काम करवा रहे हैं ठीक है, लेकिन जाके देख लिए, DC देख लिए। तो मेरा यही मांग है। उसमें सबसे बड़ा बात है कि गेस्ट हाउस जो है वहाँ सुखलदरी में, वहाँ से उस पहाड़ी से ले करके धौली पहाड़ जो कलहर उस पार है, वहाँ एक झूला बनना चाहिए, जैसे गिरिडीह में राजगीर में झूला है, उस तरह का झूला बनना चाहिए, जो इधर से उधर से लोगों को आने जाने का भी एक जरिया बन जाए। दूसरा है कि वहाँ सीढ़ी में मंदिर का निर्माण छोटा सा हुआ है पहले, लेकिन मंदिर में मैं जाने का मैंने सीढ़ी भी बनवा दिया था, थोड़ा बहुत पैसा दिया था विधायक पंचायत अपने समय, उसको चौड़ीकरण करके मंदिर तक सीढ़ी बने और मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो जाए बढ़िया से। ये लोग काफ़ी लोग आते जाते हैं, हर 1 जनवरी और 31 दिसंबर को, इसके अलावे 14 जनवरी को भारी भीड़ होती है, लाखों लाख की संख्या में लोग जुटते हैं, जगह नहीं मिलता है वहाँ पर। इसकी व्यवस्था सरकार को और जिला प्रशासन को करना चाहिए, यही सब मेरा मांग है। मैं चाहता हूँ कि सुखलदरी में विकास हो, और वहाँ जो आदम जाति कोरवा पर रहते हैं, वो रख रखाव के लिए और ये पर्यटक लोगों को सुविधा के लिए 10-12 लोगों को वहाँ गांव के लोगों को बहाल करना चाहिए, जो शिक्षित बेरोजगार है, जुआ है, उनको वहाँ रोजगार मिलना चाहिए और सीधी नियुक्ति होना चाहिए, क्योंकि आदम जनजाति कुरवा परहिया है, उन लोगों की सीधी नियुक्ति होना चाहिए, मेरा मांग है। यही मैं चाहता हूँ, आप लोग भी इस मामले को आगे बढ़ाइए, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र बनिए। विकास TV चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।